हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट, नेट या किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम नेट के एग्जाम में जो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान है, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, और बाकी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे PGT, HTET है या ऐसे ही कोई और एग्ज़ाम है, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। सबसे पहले हम दिसंबर 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है, तो ये होती है 0 डिग्री पर। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि कौन सी इनमें से सही है। इसमें ए है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता जाता है, और इसका जो कारण है वो है ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसमें से जो ए है वो गलत है और जो आर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होते हैं, एल नीनो के घटित होने पर पेरू तट के उच्च वायु दाब क्षेत्र निर्मित होते हैं। तो इसमें से जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2011 में पूछा गया है, विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है उसको अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ITCZ कहते हैं, तो ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त पर या उसके निकट स्थित होता है, ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है, पछाब मेघ लगभग ऊंचाई पर होते हैं, तो जो पछाब मेघ है वो 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर मानक वायु दाब होता है, समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है वो होता है 1013.25 मीबा। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं और जिस क्षेत्र में पाया गया, तो ये जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई गई है ये बताना है। जो AS प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है कोरोमंडल तट पर, E प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है मरुस्थल में, और जो BW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है सॉरी जो E प्रकार की जलवायु है वो उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ठंडी जलवायु होती है। जो BW प्रकार की जलवायु होती है ये मरुस्थल में पाई जाती है, और जो CWG प्रकार की जलवायु है ये सिंधु गंगा के मैदान में पाई जाती है। जो ASE, BW, CWG, कई बार इनका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मीनिंग है, किसको बोलते हैं ये जलवायु। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दिसंबर 2010 में पूछा गया है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अभिलक्षणात्मक विशिष्टता उसकी केंद्रीय अक्षी है, ये क्या है, रोंग है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात झंझावत के उत्कट सर्पिल घूर्णन से उत्पन्न मेघ शून्य चक्रवात से संबंधित नहीं है, इसमें जो सेकंड है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा, उच्च एवं निम्न दाब पेटियां, इनका उच्च दाब और निम्न दाब होता है, इनका क्या है, पवन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। नेक्स्ट है, इसमें भी कथन दिया हुआ है, जब शुष्क और आर्द्र रुदोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होता है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता है, इसकी विशेषता होती है मजबूत उधरोगामी और अधोगामी होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ पवन दी हुई है, एक वो पवन कहाँ पे बहती है और उनकी सूची दी हुई है। केटाबेटिक विंड, ये कहाँ पे बहती है? उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह। चिनुक, चिनुक कहाँ पे है? गर्म शुष्क वायु का राकी पर्वतों के पूर्वी ढलान की ओर बहना। नेक्स्ट है शांता आना, ये होती है दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु, उसको शांताना कहा जाता है। नेक्स्ट है फोन, फोन होती है आल्पस के पूर्वी ढलान में बहने वाली गर्म शुष्क वायु, उसको फोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न है, तो इसका होता है डोलड्रम, उसके बाद होती है व्यापारिक पवन, उसके बाद पछुआ वायु और उसके बाद पूर्वी वायु, ये एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट, जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम है, तो समुद्र के प्रभाव के कारण क्या होता है? वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा है। हरित गृह प्रभाव में क्या होता है कि जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है? वायु वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के अवशोषण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी? सूर्य क्षितिज के समीप है, क्योंकि इससे जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, तिरछी आती है, और अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ पे तिरछी पड़ती है वहाँ पे तापमान कम होता है। नेक्स्ट है, अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है, वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है, तो इसमें जो ए है वो गलत है और जो आर है वो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसमें भी दो सूची दी हुई है, तो जो पराबैंगनी है ये रिलेटेड है किससे? सेकंड से, और जो वायुमंडलीय खिड़की है ये रिलेटेड है किससे? थर्ड से। आयोनीकरण विकिरण ये रिलेटेड है फोर्थ से, और समीप अवरक्त ये रिलेटेड है फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए, तो इसमें होगा सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद होता है ओजोनोस्फियर, एंड सबसे लास्ट में आयोनोस्फियर। नेक्स्ट है, ऊष्मा बजट बताता है, ये बताता है अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेडियोधर्मिता में संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूची दी हुई है, तो बताना है कि किसके लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है। तो आर्कटिक के लिए किसका यूज किया जाता है? ई का। एंटार्कटिक के लिए यूज किया जाता है टी का। भूमध्य रेखीय के लिए यूज किया जाता है ए का, और उष्ण कटिबंधीय के लिए यूज किया जाता है डबल ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है, तो इसमें से जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल बजट विकसित किया गया था, तो मृदा जल बजट है वो थॉर्नथ्वेट द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 20 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2008 में पूछे गए हैं, अमल वर्षा किस कारण होती है, तो अमल वर्षा होती है वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं, तो वो होते हैं कपास वर्षी बादल। नेक्स्ट है, प्रदूषण शिखा परिणाम है, तो प्रदूषण शिखा है वायु सहती के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतर क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय वातागृहीय पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है, यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आरेख जिसको भी हाइड्रोग्राफ भी कहा जाता है, उसकी सहायता से क्या अंकित किया जाता है, तो इसकी सहायता से सापेक्ष आर्द्रता अंकित की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि निम्नलिखित से संबंधित है। ये ओजोन ह्रास से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु वर्गीकरण में वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इस अवधारणा का उपयोग किया था थार्नथ्वेट ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2007 में पूछे गए थे। धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। होता है महाद्वीप, महासागर, विषमता, अक्षांश तथा ऊंचाई, इनके द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, थार्नथ्वेट द्वारा विश्व की जलवायु वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड है। तो उसके जो मानदंड थे वो थे वर्षा की प्रभावशालिता, तापीय दक्षता और संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। इनके आधार पर उसने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो है। तो ये होता है 32%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2006 में पूछे गए थे। क्षोभ मंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाने तथा तूफान उठने जैसी मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, जो 2005 में पूछे गए थे, वायुमंडल में धूल के कणों पर जलवाष्प के संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है मेघ का। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? तो यह महाद्वीपीय महासागरीय ज्वार। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? यह डोलड्रम, व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। इसके बाद है, समुद्र तल पर हवा का दबाव कितना होता है? ये होता है 1014 ग्राम। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। इसमें बताना है कि किसके द्वारा किसको शो किया जाता है। जो आइसोहेलान है इसके द्वारा लवणता को शो किया जाता है। आइसोवाल है इसके द्वारा गति को शो किया जाता है। आइसोहाइट के द्वारा वर्षा को शो किया जाता है। और आइसोबार के द्वारा दबाव को शो किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकेले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोवाल के द्वारा किसको शो किया जाता है, जो आइसोबार है वो किसको दर्शाती है, या फिर दबाव किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आइसोबार के द्वारा गति दर्शाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कई तरह के क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में से बन सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जून 2005 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है, ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सूर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। एंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है। तो इसमें क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, परंतु जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क एवं गर्म होती है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती। तो इसमें से जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसों में आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किस में नकारात्मक तापमान ह्रास घटित तो होता है? तो ये होता है तापमान की अभिवहनीय विलोमता में। नेक्स्ट है, मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है, ये होता है मध्य अक्षांशों में। नेक्स्ट है, ध्रुवीय अग्र संबंध होता है, ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के शस्त्रों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, नेक्स्ट होता है मध्य मंडल, और उसके बाद थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च माध्य ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं, इसको कहा जाता है तापीय भूमध्य रेखा।
नेक्स्ट है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई होती है 7100 से 9100 मीटर। नेक्स्ट है, अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं, इसको कहा जाता है हेडली कोश। नेक्स्ट है, अधिविशिष्ट वाताग्र बनता है जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर होता है, तब अधिविशिष्ट वाताग्र बनता है। ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो जियोमोर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है कि कैसे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एच टेट सी टेट नेट या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।